अच्छा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये अच्छी खबर आई है कि एक एंटी कोविड ड्रग को जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। चलो चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे भी आओ, और खबरी ऐप पे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दिया है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डीजीसीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने इमरजेंसी यूज ऑफ ड्रग 2-DOXY-D-ग्लूकोज, ध्यान देना ग्लूकोज है तो उसका पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, ये दवाई के इंजेक्शन लगवाने हैं, इसको आप पाउडर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-DOXY-D-ग्लूकोज, 2-DG जिसको बोला जा रहा है, मॉडरेट टू सीवियर COVID-19 पेशेंट्स को ये दिया गया। देखिए, आपको पता है हमारे जो ड्रग रूल्स हैं 2018 में जो है, उसमें इमरजेंसी यूज का वैसे कहीं टर्म नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपदा आ गई है, फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स के रिजल्ट पे हम इसको अलाउ कर सकते हैं, तो यही किया है। अब ये करता कौन है? डीजीसीआई। कोई भी ड्रग्स आपने पहले एनिमल्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, एनिमल्स पे आपने ट्रायल्स किए, उसके बाद फिर फेज 1 बहुत ही छोटे से ग्रुप पे खाली देखने के लिए वैक्सीन काम कर रही है, दूसरे में रिएक्शन इम्यूनोजेनेसिटी देखने के लिए थोड़े बड़े ग्रुप है, तीसरे बहुत बड़े ग्रुप है, तो टोटल 3 ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद इसको डीजीसीआई मंजूरी देता है, ठीक है। तो इस ड्रग को मंजूरी दे दी है, क्योंकि रिकवरी रेट, जब ये COVID-19 पेशेंट्स को दिया गया तो रिकवरी रेट तेजी से हुआ, और सबसे अच्छी बात यही है कि इसको पाउडर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, INMAS, जो कि डीआरडीओ की पूरे इंडिया में बहुत सारी लैब्स है, उसमें से न्यूक्लियर मेडिसिन, क्या बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके मेडिसिन बनाते हैं हम, कहते हैं ना न्यूक्लियर एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज है ये, तो ये डॉक्टर रेड्डी की जो लैब है हैदराबाद में, कोलैबोरेशन के साथ इस दवाई को बनाया है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद द हेल्प ऑफ CCMB, ये वही CCMB जिसने आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को डेवलप किया, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आंध्र प्रदेश स्ट्रेन के बारे में बोला जा रहा था कि 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद वहां के डायरेक्टर आए, उन्होंने बोला ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, खतरनाक है, कितना खतरनाक है हमको नहीं पता, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है डेटा का, तो उससे दूर रहे थोड़ा सा, अभी रिसर्च चल रही है और बहुत ही लाइकली ये स्ट्रेन कोई और स्ट्रेन या डबल स्ट्रेन को रिप्लेस कर लेगा। तो CCMB ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किए और उसमें यह देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वर्क करता है SARS-CoV-2 वायरस पे और वायरल ग्रोथ को ये रोकता, इनहिबिट मतलब रोकना, रोकता ही। भाई वायरस क्या करेगा, आपके सेल्स में जाएगा, वायरस आपके सेल्स में जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, पूरी इंफॉर्मेशन कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, ढेर सारे वायरस पार्टिकल्स, फट जाएगा वो सेल और उसके बाद आपकी पूरी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगी, इसी को ही ये रोक देगा। अब रिजल्ट बहुत बढ़िया है तो DCGI ने ये बोला इसको तो परमिशन देनी चाहिए, फेज 2 ट्रायल्स हुए मई 2020 में, इसके फेज 2 ट्रायल्स हुए, फेज 2 ट्रायल्स अक्टूबर 2020 में खत्म हो गए, और अच्छे रिजल्ट है, COVID-19 पेशेंट्स और ज्यादा शेप, बहुत बढ़िया रिकवरी और अच्छी हुई, फेज 2A मतलब ये जो फेज 2A के ट्रायल्स थे, मतलब जो सब ट्रायल्स थे वो 6 हॉस्पिटल्स में और कंडक्ट करवाए, फेज 2B ट्रायल्स थे उसको 11 हॉस्पिटल में, 6 हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाया, फिर इसको 11 हॉस्पिटल में और कंडक्ट करवाया, इसमें भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्या बात है। तो DCGI ने बोला भैया तुरंत फेज 3 ट्रायल्स शुरू करो, इसके नवंबर में फेज 3 ट्रायल शुरू हो गए, तो मई से शुरू हुआ, नवंबर तक गया, ये 220 पेशेंट्स को यह दवाई दी गई दिसंबर से लेकर मार्च में, कहां कहां, 27 हॉस्पिटल में, कहां कहां है ये, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब वही स्टेट्स हैं जहां पे केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इंप्रूव हुआ, सिम्टोमेटिकली दे आर इंप्रूव्ड, और ध्यान दीजिएगा ये मॉडरेट टू सीवियर में दिया जा रहा है, ठीक है, जिनको बुरी हालत है, जिनकी COVID-19 से हालत खराब है उसमें भी इंप्रूव हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन डिपेंडेंस कम हुई 42% से सीधा 31%, तीसरे दिन ही इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। तो DRDO ने ये दवाई बनाई, ज्यादातर देखिए ऑक्सीजन लंग्स पे अटैक कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, और अगर लंग्स पे अटैक कर रहा है तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो दिल का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो थ्रू लंग्स होता है,
तो अगर लंग्स को कोई वायरस अटैक करेगा तो आपके हार्ट पे भी प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद हमारा खान पान ऐसा है कि बहुत सारे फैटी एसिड मतलब प्लेग जो है वो दिल में जमा होता जाता है, हल्का सा क्रैक क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जा नहीं पाता, हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक तरीके से पूरी चक्री है, इसीलिए कोविड 19 में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि तीसरे दिन से ही हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंस जो है वो कम होती जा रही है इसमें, जिसकी वजह से ये दवाई कमाल की साबित होगी। आप ये समझिए कि ये क्या है ना कि कोविड भले ही हम कंट्रोल कर लेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल तो हो जाएगा, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना बढ़िया दवाइयां आएंगी। अभी तो जस्ट शुरुआत है ना, जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा अब इसी साल के एंड तक देखिएगा इसकी दवाई भी आ जाएंगी और वैक्सीन तो आएंगी ही आएंगी। तो हम कोविड से जंग जरूर जीतेंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।